गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और कैसे हो? सब बढ़िया। और आज का हम जो खास टॉपिक करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड ने इसको बहुत बार एज न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। न्यूमेरिकल की फॉर्म में कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कराई थी तो उसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट हुआ था। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक अगर उसमें प्लेस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास टॉपिक है, ये एक कैपेसिटर मान लिया हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में मैंने यहां ले लिया भाई क्या चीज, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास कितने थिकनेस की है, टी थिकनेस की है, और टोटल सेपरेशन कितनी है, डी है। टोटल सेपरेशन कितनी है, डी, दोनों प्लेट्स के बीच की। और एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज ए, एरिया ऑफ प्लेट कितनी मानी है, ए मानी है। पॉइंट क्लियर है, ये नेगेटिव चार्ज थी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाओ भाई, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके अंदर एक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या होता है, फील्ड जनरेट, क्यों, क्योंकि उसके जो डाइपोल्स उसके अंदर प्रेजेंट थे वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इसके अंदर एक नया फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर एक नया फील्ड ई इंड्यूस हो जाएगा, और बाकी जो स्पेस है यहां और यहां, यहां कौन सा है, ई नोट। ई नोट का मतलब अप्लाइड जो हमने किया था फील्ड वो वाला कंसिडर कर रहे हो, ठीक हो गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, whenever you have to find capacitance, whenever you have to find capacitance, then you have to focus on potential first. ठीक है? Why? Because if we are knowing the value of potential, then we can find value of C. How? C is equal to Q divided by V. तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? C की वैल्यू निकल आएगी। तो मेनली मैं फोकस कर रहा है किसके ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस। तो E नोट जो फील्ड था वो कितनी सेपरेशन पे था, D माइनस T सेपरेशन पे। टोटल डिस्टेंस थी D, ये T सेपरेशन है तो D माइनस का T प्लस। और E फील्ड जो जनरेट हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे जनरेट हुआ है, T जगह पे जनरेट हुआ है। तो E मल्टीप्लाई टू T, E मल्टीप्लाई टू T। क्लियर होगी बात, कोई सुनिए। अब क्या करोगे भाई, हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला पढ़ा है, E नोट डिवाइड बाय E इज इक्वल टू K होता है, ठीक है। तो मैंने वहां से E की वैल्यू पुट कर दी, किसके बराबर आएगी, E नोट डिवाइड बाय K इनटू T प्लस E नोट इनटू D माइनस का T इज इक्वल टू V, इज इक्वल टू V। और यहां से E नोट हमारा कॉमन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहां की थी, और जो बराबर कितनी होगी, d माइनस का t प्लस t डिवाइड बाय k के बराबर इज इक्वल टू v। जबकि e नोट जो है क्या है, इन दोनों स्टेट्स के बीच का फील्ड। और याद करो हमने YouTube पे टॉपिक किया था, मैंने आपको अपलोड कर रखा है वो टॉपिक, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना। कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन टू थिन चार्ज्ड शीट, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज शीट है एक नेगेटिव चार्ज शीट है। तो इसका मतलब यहां से E नोट की वैल्यू बनेगी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट d माइनस का t प्लस का t डिवाइड बाय k इज इक्वल टू v, ठीक हो गया। तो सिग्मा हमारे पास में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नोट d माइनस का t प्लस का t डिवाइड बाय k इज इक्वल टू v। पोटेंशियल की वैल्यू मिल गया हमें, पोटेंशियल मिल गया तो बात होगी हमारे पास, हमें क्या निकालना था, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, क्यू डिवाइड बाय वी, करियो वैल्यू क्यू डिवाइड बाय ये वाला क्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा डी माइनस का टी प्लस का टी डिवाइड बाय के, ठीक हो
हो गया, क्या उसे क्या हो गया आंसर, c की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d माइनस का t प्लस का t डिवाइड बाय k। और यहां से मेरे दिमाग में एक बात समझ में आई, क्या बात समझ आई, अगर मैं किसी भी तरीके से इफ t इज इंक्रीज्ड, इफ t इज इंक्रीज्ड, अगर इस t की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू नीचे जो है कम हो जाएगी, और नीचे अगर कम हो जाएगी तो c हमारा जो है इंक्रीज होगा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कोर्स टॉपिक में लास्ट टॉपिक में, कैपेसिटेंस ऑफ पैरामीटर कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। जब भी किसी पैरामीटर कैपेसिटर में हम या तो कंडक्टिंग शीट रखें वहां कैपेसिटेंस बड़ा था, और यहां हमें समझ आ गया कि जब भी किसी पैरामीटर कैपेसिटर में डायलैक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज होगा। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना ताकि आपको और इजीली ये जो टॉपिक है समझ में आए, क्लियर है। अब एक और चीज बता देता हूं आपको मैं, क्या चीज भाई, कि कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन ए डिवाइड बाय डी माइनस का टी प्लस टी डिवाइड बाय के। इसके बिहाफ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा था, न्यूमेरिकल की फॉर्म में सीबीएसई क्वेश्चन डालता है। अब वो क्या था वो समझे हमसे, वो ये है कि अगर मैं कोई डायलैक्ट्रिक प्लेस करता हूँ पैरामीटर कैपेसिटर के बीच में, लेकिन जिसकी थिकनेस डायलैक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस किसके बराबर है, उन दोनों के बीच की टोटल सेपरेशन जो डी थी उसके हाफ के बराबर। इसका मतलब टी जो है हमारे पास में कितनी है, डी बाई टू के इक्वल है फॉर न्यू न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपसे बात कर रहा था उसके लिए t की वैल्यू कितनी दे दी, d by 2। तो एक बात बताओ उसके लिए कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, कर दोगे सभी यार, कुछ मुश्किल है उसमें, एक बात बताओ जहां भी t दिखाई दे रहा है क्या पुट कर देंगे, d by 2 पुट कर देंगे यार, बात खत्म, सो हो जाएगा, रैंडम पुट कर दो, क्लियर है, कोई सुन याद रख, ये वाला टॉपिक जो है एज न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो टॉपिक जिसको समझ में नहीं आया है मेरे नंबर पे कॉल कर देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, मैं नंबर फिर आपको बता रहा हूँ 9466887780 9466887780, क्लियर है सभी को, ओके, थैंक यू, बाय।